हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अब मैथ्स की क्लास कैसे चला जाए, चैप्टर चैप्टर वाइज चला जाए या जैसे मेरी क्लास चल रही थी वैसे चला जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने यही कमेंट किया कि सर जो मैथ की क्लास अब चैप्टर चैप्टर वाइज चलाई जाए, ठीक है। तो आप लोगों कहने पे अब मैथ्स की क्लास कैसे चलेगी, चैप्टर चैप्टर वाइज चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ मीन्स लस तथा मस पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मेरी क्लास है बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसे नहीं देना, ठीक है। और ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट वन है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम एंड एचसीएफ के बाद हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको सिलेबस फिर से दिखा दे रहा हूँ। चलिए, यही सिलेबस है जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। यही सिलेबस मुझे पढ़ाना है और इसकी वीडियो मैंने आपको बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताओ कि एलसीएम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो चारों चैप्टर आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, ये चार चैप्टर आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम एलसीएम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद टाइम एंड पढ़ेंगे, पाइप सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम कंपाउंड प्रपोजल यानी मिश्र समनुपात पढ़ेंगे। यानी ये चैप्टर क्या आपस में लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। ये चारों चैप्टर क्या आपस में लिंक है। तो सबसे पहले इन चैप्टरों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में जाने और एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं कि सिर्फ देखकर आप इसका एलसीएम बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा मिले, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद हम एचसीएफ के भी बारे में जाने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अगर आप इसकी डिफिनेशन देना चाहते हो तो मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो एलसीएम कहलाती है, ठीक है। एक बार डिफिनेशन आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो एलसीएम कहलाती है। और एलसीएम दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि होता है और भाग विधि होता है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों विधि नहीं बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम में तो आपको वैसे नहीं निकालना होगा, अगर आप वैसे निकालेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो बहुत ही फास्ट है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम सिर्फ देकर एलसीएम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर दी गई संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट देगी तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर वन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन है, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड मीन पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो लाइन लिखा है इसका मतलब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 15 और 30 है, यहाँ पे देखिए 15 और 30 है, जो संख्याएं दी गई है इनका करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो जो दी गई संख्याएं जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही, क्या मैं देखिए उसको पूरा पूरा काट रही, तो करना कि आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसमें करना क्या है, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर दी गई संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट देगी तो छोटी संख्या को आप रिजेक्ट कर दीजिए, जो बड़ी संख्या हो जाएगी वह इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर एक और देखते हैं, यहाँ पे जिसे लिखा है 5, 10, 20 लिखा है, इसका क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करें इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या, जो 5 इसको पूरा पूरा काट दे रही और इसको भी पूरा पूरा काट दे रही, किसी एक को काटेगी तो भी आपको क्या करें, इसको यहां से आप रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास ये बच गया और ये बच गया, कुछ पहले की तरह जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही क्या, देख लो इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहां से रिजेक्ट कर दिए, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देख के इसका एलसीएम बता सकते हैं, ये इसको पूरा पूरा काट रहा है और ये भी इसको पूरा पूरा काट रहा है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर एलसीएम आप बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखा जाए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 12, 24, 48 का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, देखिये जो 12 है इसको भी काट रहे और इसको भी काट रहे, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिए, कहने का मतलब 12 इसके अंदर है, ठीक है, यानी ये इसके अंदर है। अब ये बच गया और ये बच गया, इनमें जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे तो आप इसको भी यहां से क्या करें, रिजेक्ट कर दिए, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा।
इन तीनों कैल्सियम कितना आ जाएगा 48। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, ये बेहद ही आसान है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 10, 20, 40, 80, ये इसको देखिए पूरा पूरा कर देगी और ये इसको पूरा पूरा कर देगी और ये इसको पूरा पूरा कर देगी, यानी इन चारों कैल्सियम कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इन चारों कैल्सियम कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पांचवा देखा जाए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 5, 10, 20, 60। सबसे पहले ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दिया, ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रही, आप इसको, ये भी देखिए इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दे, ये भी देखिए इसको पूरा पूरा कर, आप इसको यहाँ से, सॉरी ये इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको रिजेक्ट कर दिए, यानी इन चारों कैल्सियम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इन चारों कैल्सियम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए क्या है छठवा, 15, 45, 90, 180 का क्या करना आपको, एल्सियम निकालना है। ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दे, तो आप इसको यहाँ से क्या करिए रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको भी यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए और इसको भी पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए, यानी इन चारों कैल्सियम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर एल्सियम आप पता कर सकते हैं कि इनका एल्सियम कितना आएगा। ठीक है, ये तो इसकी पहली कंडीशन है। ठीक है, ये इसकी क्या पहली कंडीशन है, यहाँ पे मैंने लिखा कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दू कितना 25 लिख दे रहा हूं और यहाँ पे कितना लिख दे रहा हूँ 30 लिख दे रहा हूं, ये कंडीशन नंबर 2 की है। तो इनमें देखिए जो छोटी संख्या किस क्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही, क्या जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन नंबर 2 में। ठीक है, इसको क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन नंबर 2 में, चलिए देखा जाए कंडीशन नंबर 2। चलिए कंडीशन नंबर 2 देखा जाए, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित ना करे तो क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 25 और 30 का क्या करना आपको, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका क्या करना आपको, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को काटेगी। तो मैं देख रहा हूँ 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो किसी को काट दिए, चाहे इसको 5 से काटिए चाहे इसको 5 से काट दीजिए, तो इसको मैं काट दू 5 से, 5 तीन कितना, सॉरी 5 कितना हो गया 25 हो गया। काटने के बाद करने के इन दोनों का गुणा कर लीजिए, अगर आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 30 और 40 का क्या करना आपको, एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 30 को भी काटेगी और 40 को भी काटेगी। ठीक है, काटने के देखिए 2 से भी कटेगा ये, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, मुझे लेना क्या बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो 10 से इसको 10 से ये भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो किससे काट दीजिए, ये 10 से कितना हो गया 30 हो गया। काटने के बाद इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, चाहते हैं कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 120 मिलेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 20, 50, 80 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे क्या, ये जो कि 20 है इसको पूरा पूरा काट देगी, कहने का मतलब जो 20 इसके अंदर है तो आप इसको यहाँ से क्या करिए रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, कुछ पहले की तरह हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो इन दोनों काटेगी, 10 से ये भी कटेगा 10 से भी कटेगा, तो किसी भी काट दीजिए, इसको 10 से डिवाइड कर दो कितने में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। काटने के बाद करना क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिले यहाँ से 8, 25, 40 हो गए, यानी इन तीनों कैल्सियम कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इन तीनों कैल्सियम कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे कितना है 12, 20, 30 का क्या करना आपको, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही। ठीक है, इन तीनों संख्याओं में कोई भी छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को नहीं काट रही। यहाँ पे जैसे 20 है इसको पूरा पूरा काट दिया, इसको मैंने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो करना है कि आपको किसी दो का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए, चाहे इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए, या इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाइए। तो मैं इन और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना रहा, कुछ पहले की तरह आपको दिख रहा है, यानी इन दोनों की तरह दिख रहा है। तो करना क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो 20 को भी काटेगी और 30 को भी काटेगी, 10 से ये भी कटेगा 10 से ये भी कटेगा, तो किससे काट दीजिए 10 की 30 होगी। काटने के बाद करने के इन दोनों का गुणा कर लिया आपस में, तो कितना मिलेगा 60 मिलेगा और यहाँ से 12 बचा है। ठीक है, 12 बचा। अभी देखिए आपको कुछ पहले की तरह हो गया कि नहीं इस तरह से। सबसे पहले इसमें ये चेक करिए कोई यानी जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या, जो 12 है 60 को पूरा पूरा काट दे क्या, मैं देखिए इसको पूरा पूरा काट देगी, तो आप इसको यहाँ से क्या करिए रिजेक्ट कर दीजिए, यानी इन सभी कैल्सियम कितना आ जाएगा 60। इन तीनों कैल्सियम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे फाइव देखा जाए, अब फाइव आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। छठवा देखा जाए, इसमें क्या है, पांच छह सात का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करिए, कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही है, ठीक है, और न ही आपस में किसी का कॉम्बिनेशन बना के आपस में कटेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कोई भी बड़ी संख्या नहीं इन दोनों काटेगी, और इन दोनों का बनाएंगे तो भी आपको कोई नहीं। तो इन सभी क्या करना, आपको डायरेक्ट आपस में गुणा कर लीजिए, इन सभी क्या करना, आपको डायरेक्ट आपस में गुणा करना। तो पांच का तीस हो गया, और ये कितना सात तरीके इक्कीस, कितना हो जाएगा 200, सॉरी पांच का तीस हो गया, सात तरीके इक्कीस कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको कंडीशन नंबर सेकंड में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट टाइप से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कुछ नेक्स्ट टाइप से एलसीएम निकालना सीखते हैं। चलिए टाइप टू में देखा जाए, देखिए यहाँ पे देखिए इतना पांच गुणे तीन गुणे चार दिया, और यहाँ पे चार गुणे पांच गुणे सात का एलसीएम निकालिए, ठीक है, यानी इसका क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा गया, ठीक है। तो ये एलसीएम, ये इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको क्या करना आपको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी क्या करना आपको लिखना है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पांच यहाँ पे भी है और पांच यहाँ पे भी है, चार यहाँ पे भी है, चार यहाँ पे भी है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन रहेगा उससे क्या करना आपको एक बार आप लिख लिए, तो पांच गुणे कितना हो जाएगा, ये चार हो गए। अब जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी आपको लिखना है, कॉमन आपका तीन नहीं है और यहां से सात नहीं, तो इसको भी क्या करना आपको लिखना होगा, इन दोनों को भी क्या करना आपको लिखना होगा, यानी इनका एलसीएम इतना आएगा, ठीक है, इनका एलसीएम इतना आएगा। आप चाहे तो मल्टीपल आपस में कर लीजिए या आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां देखिए मैंने लिया इस तरह से पावर के रूप में मैंने ले लिया, अब इनका क्या करना आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए पांच यहाँ पे भी है और पांच यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी है और तीन यहाँ पे भी, ठीक है। तो करना क्या, सबसे पहले क्या करें, पांच यहाँ पे भी, पांच यहाँ पे भी, ठीक है। तो पांच तो आप कॉमन लेंगे ही, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो बड़ी पावर होगी उसको आपको लिखना होगा, जो बड़ी पावर होगी वही आपको लेना होगा। तो बड़ी पावर दो है कि पांच, आप बता सकते हैं पांच, ठीक है। अब यहां से क्या करना, यहाँ पे तीन की पावर कितना पांच है और यहाँ पे तीन की पावर कितना चार है, तो बड़ी पावर वाला क्या करना आपको कॉमन लेना है, तो तीन की पावर कितना हो जाएगा पांच हो गया। अब जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये बच गया आपका और ये बच गया, तो आप यहां से कर लीजिए, आठ की पावर कितना हो जाएगा, ये पांच हो गया, आठ की पावर पांच हो गया, और गुणे तेरह की पावर कितना हो गया, यहां से पांच हो गया, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, अब यहाँ से पावर क्या माइनस के रूप में है, ठीक है। अब इनका क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जो कॉमन दिखेगा उससे तो एक बार लिखना होगा, और जो कॉमन नहीं दिखेगा उससे भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पांच यहाँ पे भी है, पांच यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें तीन है और इसमें सात है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना आप यहां से लिख लिए, और क्या करना आपको बड़ी पावर वाला कॉमन लेना। तो यहां से माइनस दो है और ये माइनस फाइव है, तो कौन बड़ा है, माइनस दो बड़ा है कि माइनस फाइव बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, आप बता सकते हैं कि माइनस दो बड़ा है, कौन बड़ा है, माइनस दो बड़ा है इसमें, ठीक है। तो बड़ी पावर वाला हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया, जो कॉमन नहीं है, देखिए यहाँ पे सात है, इसको मैंने देखा नहीं, आप इसको यहां से कर लीजिए, सात भी तो कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए, तो आप यहां से सात भी तो आपका कॉमन होगा, बड़ी पावर वाला क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, सात की पावर कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से बचा कितना आपका, तीन की पावर कितना हो गया माइनस छह हो गया, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। चलिए अब एलसीएम के बारे में हम लोग जानते हैं, ये तो मैंने आपको सब कुछ एलसीएम के बारे में बता दिया, अब हम लोग क्या सीखते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एलसीएम के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसकी डिफिनेशन फिलहाल यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसकी डिफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि 12 और 18 क्या करना आपको, एलसीएम निकालना है। इसकी परिभाषा मैंने क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 को भी काटेगी और 18 को भी काटेगी। तो मैं देख रहा हूँ 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, 2 के अलावा की 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, इसके अलावा की 6 से ये भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक है। यानी 6 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काटेगी।
तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो परिभाषा मैंने आपको लिखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः क्या करे, डिवाइड करे। अगर आप इससे इसमें भाग दें तो भाग पूरी पूरी कट जाएगी, इससे भी आप इसमें भाग दें भाग पूरी पूरी चली जाएगी। ठीक है, ये इसका क्या डेफिनेशन है, यानी एलसीएम वह है जो दी गई प्रत्येक संख्या क्या करे, पूरा पूरा विभाजित करे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको इसमें ये चेक करना है इनका क्या करना, आपको एलसीएम निकालना। तो हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 12, 15, 18 को विभाजित करेगी। देखिए 3 से भी कटेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता करना है, देखिए 18 से भी कटेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 है। यहाँ पे देखिए कितना 25 है और ये कितना 27 है। तो हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों काटेगी, तो मैं देख रहा हूं एक के अलावा कोई भी नहीं है, यानी एक के अलावा कोई भी नहीं संख्या जो इन दोनों काटेगी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और टाइप्स हम लोग एलसीएम सीखते हैं, कुछ और टाइप्स हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 5^2 × 8^3 एवं 3^5 × 5^5 का एलसीएम निकालना। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो वही आपको बताना है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, और एलसीएम में क्या करना आपको, कम पावर वाली क्या करना आपको, कॉमन लेना। कम पावर वाली क्या करना आपको, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए कम पावर कितना है, 2 है, आप यहाँ से क्या करिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, यानी इसका इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5^2 आ जाएगा। इनका और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5^2 आ जाएगा। यानी जो कम पावर रहेगी वही क्या करना आपको, कॉमन लेना है। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, आप देखते हैं यहाँ पे ये चीज लिखा और यहाँ पे ये चीज लिखा, पूछा कि इनके एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। देखिये यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको ये चेक करना है। देखिये 9 यहाँ पे दिख रहा है और 9 यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो 9 आप यहाँ पे लिख लीजिए। और छोटी पावर वाला क्या करना आपको, कॉमन लेना है। तो यहाँ से पावर कितना आ जाएगा, 10, तो छोटी पावर वाले लोग कॉमन ले लेंगे, यानी इनके एलसीएम कितना आ जाएगा, 9^10 आ गया। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है क्या दोनों में कॉमन है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से क्या कॉमन है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, और 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर लीजिए, 5 लिख लीजिए, और छोटी पावर वाला क्या करना आपको, कॉमन लेना है। तो यहाँ देखिए 5^-7 है और 5^2 कितना ही है, -12 है। तो कौन इसमें छोटा है आप बता दीजिए। ठीक है, कौन इसमें छोटा है, -7 छोटा है कि -12 छोटा है, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन छोटा है, -12 छोटा है। कौन छोटा है, -12 छोटा है। तो 5^5 कितना हो जाएगा, -12 हो गया। अब इंटू 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, आप यहां से कर लीजिए। और छोटे पावर वाला क्या करना आपको, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे -2 है और ये -5 है, तो कौन छोटा है, -5 छोटा है। ठीक है, यानी इन दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, कि इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए कुछ प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको बताया इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखा क्या क्वेश्चन, चलिए ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस इसमें आए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन 120 और 420 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी इन दोनों क्या करना आपको, एलसीएम निकालना। ठीक है, इन दोनों क्या करना आपको, एलसीएम निकालना। और ये क्वेश्चन की एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, तो जो ट्रिक मैंने आपको बताया उसी ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना 120 और 450, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों काटेगी। ठीक है, 30 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा और 30 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो किसी को काट दीजिए। अगर 30 इसको पूरा पूरा काट दो तो कितनी बार में कटेंगे, 4 बार में कट गए। अब इन दोनों क्या करना, आपस में मल्टीपल करना, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1800 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1800 मिल जाएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच करना। ठीक है, जो ऊपर ट्रिक मैंने बताया उस ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15, 30, 24 का लसा होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, इन तीनों का एलसीएम पूछा गया। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है,
इन तीनों क्या करना आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही क्या। देखिए जो 15 इसको पूरा पूरा काट दे, आप इसको यहां से क्या करिए रिजेक्ट कर दिए। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया, तो वहां बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों काटेगी। देखिए 6 से ये भी कटेगा और 6 से ये भी कटेगा, तो किसे काट दीजिए 6 से काट 6 चौको 24। काटने की बात करना है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा 120 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 120 मिलेगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है संख्याओं 54, 162 और 189 का मसह ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या पूछा गया आपसे, एलसीएम पूछा गया, इन तीनों का एलसीएम पूछा गया, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। ठीक है, देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो 33 होगा नहीं, 21 से ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा 23 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 27 से कटेगा, यानी 54 किससे कटेगा 27 से कटेगा। बता सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 27 से जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है ए बी सी और एक्स वाई जेड का मसह होगा, इसमें आपसे पूछे यानी आपसे क्या पूछा गया एचसीएफ आपसे पूछा गया, इसका और इसका एचसीएफ पूछा गया। ठीक है, तो पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, कुछ इस तरह से आपको बताया 5 और 6, अगर इन दोनों के एचसीएफ निकालना है तो क्या बताया मैंने आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों काटेगी तो 1 है, यानी इन दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर लोग क्या करेंगे, यानी इन दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन दोनों के एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि इन दोनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 96, 32, 140, 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, और ये क्वेश्चन की यूपीएसआई 2017 में पूछा है क्वेश्चन है, यानी इन सभी क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है, इन सभी क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यानी वह कौन सी संख्या जो इन सर चारों को डिवाइड करेगी। देखिए 8 से ये कटेगा, 8 से ये कटेगा, लेकिन 8 से ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट। 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 से सभी कट जाएंगे। 16 से चेक करते हैं, 16 से ये कटेगा, 16 से ये कटेगा, लेकिन 16 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 16 से ये नहीं कटेगा। 32 से ये कटेगा, लेकिन 32 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी 32 से ये सब नहीं कटेगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 ही है जो इन चारों को डिवाइड करेगी, यानी इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 36, 40 और 48 के महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या होगा, इसमें आपसे पूछा गया। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा गया कि सबसे पहले इसका क्या करना आपको एचसीएफ निकालना है, और उसका क्या पूछा आपसे वर्ग पूछा गया। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सभी को काटेगी। ठीक है, देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो यानी इन सभी के एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, इन सभी के एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, और इसका क्या पूछा आपसे महत्तम समापवर्तक का वर्ग पूछा है। अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन की आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 28 और 42 के लस मस किस अनुपात में, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी लस और मस का अनुपात आपसे पूछा गया, तो आप यहां से लिख लीजिए एलसीएम और यहां से एचसीएफ आप लिख लीजिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 28 को डिवाइड करेगी और 42 को डिवाइड करेगी। देखिये 7 से ये भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, ये 7 6 का 42 हो गया और ये 7 6 7 6 को 28 हो गया। 7 के अलावा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, देखिए 14 से ये भी कटेगा और 14 से भी कटेगा, आप क्या करें 14 से ये भी कटेगा 14 से भी कटेगा, तो इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया 14 आ गया, इन दोनों के एचसीएफ कितना आ गया 14 आ गया। अगर आपको एलसीएम पता करना तो किसी को काट दिया आप 14 दोनों कितना हो जाएगा 28 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करें तो हमको क्या पता चल जाएगा एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करें तो यहां से कितना हो जाएगा 42 गुणा कितना हो जाएगा यहां से 2। इन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे रेशियो पूछा गया, तो रेशियो क्या खास होती है अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखेगा। देखिए 14 से कट जाएगा तो काट दीजिए 14 से कितना हो जाएगा 42 हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल 6 मिल गया और इधर कितना बचा आपका 1 बचा है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ अनुपात कितना हो जाएगा 6:1।
पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मसर 16 है, उनका अंतर 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपसे ये पूछा गया और चार ऑप्शन दे दिया है, यानी कौन सी दो संख्या है जिनका एसएफ कितना दिया गया 16 है, और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया गया 16 दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं, क्या इन दोनों के एसएफ कितना 16 मिले क्या, देखिए 16 से भी कटेगा 16 से भी कटेगा, यानी इन दोनों के एसएफ कितना आ गया 16 आ गया, इस बात को ये फॉलो करा। दूसरी पॉइंट क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना चाहिए, 16 का चाहिए, देखिए 16 और यहां से दोनों का अंतर करिए, अगर आप अंतर करें तो अंतर कितने का मिलेगा 16 का मिलेगा, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना मिल जाएगा 16 मिलेगा, यानी जो पहला ऑप्शन है दोनों बात को फॉलो कर रहा है, इन दोनों का एसएफ कितना है 16 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 16 है, दोनों पॉइंट को ये फॉलो कर, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखिए 16 से तो ये 16 से देखिए कटेगा 88 नहीं कटेगा, इसका ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 16 से ही कटेगा लेकिन 16 से ये नहीं कटेगा, ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन इसका क्या जाएगा सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन की कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर -10 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 5 तो सभी में कॉमन मिलेगा, ये 5 सभी में कॉमन आपका मिलेगा, और जो पावर जो सबसे बड़ी पावर हो वही क्या करना आपको कॉमन लेना है, तो सबसे बड़ी पावर कौन इसमें -11, -9, -16 और -10, तो सबसे बड़ी पावर कौन इसमें -9, ये तो सबसे बड़ा है, -9 क्या है सबसे बड़ा है, आप बता सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आएगा, ये इसका क्या गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, यहाँ पे मैंने लिया है, अब यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का एलसीएम क्या होगा, और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्या पूछा आपसे एलसीएम पूछेगा, तो सबसे पहले देखिए 4 तो सभी में कॉमन मिलेगा, 4 इसमें भी मिलेगा, 4 इसमें भी मिलेगा, 4 इसमें भी, 4 तो सभी में कॉमन मिलेगा, अब करना क्या आपको सबसे बड़ी पावर वाला को कॉमन लेना है, सबसे बड़ी पावर कौन इसमें 12 है, क्योंकि इस बार सभी क्या प्लस में, तो सबसे बड़ी पावर कौन है 12 है, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता रखा है, तो इसका एलसीएम कितना है 4 की पावर 12 आ जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। बस रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो पार्ट 2 के नाम से आएगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक पॉइंट और है, जो आपके संपर्क में हो, ठीक है, जिन लोगों को भी अगर मैथ्स पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना और फ्री में पढ़ना, तो आप उनको ये वीडियो एक बार जरूर से शेयर करिए, ठीक है। आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको एक बार वीडियो ये जरूर से शेयर करिए, ठीक है।